Redmi Note 8 Pro मैसेज सेटिंग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिकराज YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने जो Xiaomi के फ़ोन है उसमें मैसेज सेटिंग कैसे कर सकते हैं। तो अगर दोस्तों आपको मैसेज सेट करना नहीं आते तो आज के इस वीडियो को पूरा जरूर से देख लेना। वीडियो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से जो है आप मैसेज सेटिंग सेट कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करें। यदि आप ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों आपको करना क्या है, आपको जाना है यहाँ अपने मैसेज पर, और उसके बाद दोस्तों अपना जो 3 डॉट्स ऊपर में यहाँ पर है, 3 डॉट्स यहाँ पर दोस्तों हट चुका है और यहाँ पर है गियर आइकॉन, तो उसमें आपको क्लिक करना है। उसमें जैसे ही क्लिक करोगे आपको सबसे पहले मिल जाएगा MI मैसेज, सेंड मैसेज टू आर एम आई यू आई डिवाइस विदाउट इनकरिंग चार्जेस। ठीक है, तो इसके मदद से दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, आप किसी भी दूसरे MI के फ़ोन पे मैसेज सेंड कर सकते हैं विदाउट एनी चार्जेस। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको मिल जाता है ग्रुप मैसेज ऑटोमेटिकली का, और उसके बाद आपको मिल जाता है स्मार्ट मैसेजिंग। स्मार्ट मैसेजिंग पे क्या होता है, अगर आपको कोई भी अनआइडेंटिफाइड नंबर से मैसेज किया जाता है तो उन नंबर को आइडेंटिफाई कर लिया जाते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों नोटिफिकेशंस ग्रुप आपको मिल जाते हैं, और उसके बाद दोस्तों अगर कोई अगर आप फोटोज़ वगैरह सेट करते हैं अपने कोई भी कॉन्टेक्ट्स पर और आप उनको टेक्स्ट करते हैं तो उनका जो फ़ोटो है वो मैसेज पर भी शो करेगा अगर आप इस बटन को इनेबल कर देते हैं। ठीक है, शो प्रोफाइल फ़ोटोज़, यहाँ पर मैं आपको डेमो शो करके बता देता हूँ, कुछ इस प्रकार से प्रोफाइल फ़ोटो शो करेगा। ठीक है, इसके मदद से। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मिलेगा आपको असाइन कॉन्टेक्ट्स, ऑटोमेटिकली असाइन ए पिक्चर टू कॉन्टेक्ट्स विदाउट वन। ठीक है, तो ये जो है कॉन्टेक्ट्स फ़ोटोज़ को ऑटोमेटिक असाइन कर लेते हैं। उसके बाद आपको मिल जाता है शो ब्लॉक मैसेज, अगर आप कोई किसी को ब्लॉक कर देते हैं मैसेज पर तो उनका मैसेज शो करने का ये सेटिंग है। उसके बाद आपको मिलेगा शो मैसेज ऑन लॉक स्क्रीन का, डिलीवरी स्टेटस है और डिलीवरी साउंड है। ठीक है, नेक्स्ट में नीचे में हम देखें तो इमरजेंसी अलर्ट से, तो ये सब दोस्तों हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते। उसके बाद दोस्तों हम आते हैं एडिशनल सेटिंग पर। एडिशनल सेटिंग पर आपको मिल जाता है MMS रीड रिसिप्ट का ऑप्शन, डाउनलोड MMS कंटेंट ऑटोमेटिकली ऑप्शन मिल जाता है, और उसके बाद आपको मिलेगा डाउनलोड MMS कंटेंट व्हेन रोमिंग। तो ये सब दोस्तों MMS का सेटिंग है। ठीक है, अगर आप नीचे देखें तो सेंड वाया कार्ड का ऑप्शन है, तो कौन सा वाला आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, ऊपर या नीचे, सिम वन सिम टू, तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद आपको मिलेगा सिस्टम का, अलाउ वेब पुश मैसेज का ऑप्शन है, और शॉर्ट मैसेज सर्विस सेंटर, ये दोस्तों काम आप ऐसे ही रहने दीजिए, इसको आप छुए मत। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों आपको मिलेगा सिम कार्ड स्टोरेज, इसमें क्या होगा अगर आपके सिम पे कोई भी मैसेज है तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। ठीक है, सिम कार्ड स्टोरेज का यही काम है। तो इस तरीके से दोस्तों आप जो है मैसेज सेटिंग कर सकते हैं। तो जितना भी पॉसिबल मैसेज सेटिंग था सब मैंने आपको बता दिया है। तो अगर दोस्तों आपको कोई भी मैसेज सेटिंग करना है तो आप वहाँ पर जाके कर सकते हैं। अगर मैसेज टोन चेंज करना है तो उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, आप वो जाके देख सकते हैं। मैसेज टोन चेंज करने के लिए आपको साउंड एंड वाइब्रेशन पर जाके ही करना होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।